हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर किड्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे और इसमें आपको बुक रीडिंग के साथ साथ आपको इसमें हिंदी अर्थ निकालना बताएंगे कि इंग्लिश से हिंदी का अर्थ कैसे निकालते हैं। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। आज ये सेकंड लेसन की बुक है और इसमें हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। लेसन सेकंड है। इसमें स्टोरी का नाम है पॉट्स ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का बर्तन। पॉट्स मतलब होता है घड़ा, ऑफ मतलब होता है काके की, और गोल्ड मीन्स होता है सोना, यानी सोने का घड़ा। इसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे और सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, श्याम लाल वॉज द रॉयल बार्बर एंड अर्नड अ हैंडसम सैलरी। यहाँ पे है रॉयल, रॉयल मीन्स होता है शाही, यानी जो बड़े बड़े घरों में काम करते हैं, जिसको बोलते हैं शाही घराने में जो काम करते हैं, या फिर राजा लोगों के यहाँ काम करते हैं, उनको बोलते हैं रॉयल। यहाँ पे बार्बर तो आपको पता है कि नाई होता है, हैंडसम मतलब होता है अच्छी, सैलरी मतलब होता है वेतन। श्याम लाल वॉज द रॉयल बार्बर एंड अर्नड अ हैंडसम सैलरी। श्याम लाल रॉयल नाई था, एक अच्छी वेतन अर्जित किया। ही वॉज अ चीयरफुल, चीयरफुल मतलब होता है हंसमुख मैन हुम एवरीवन लाइक्ड। एवरीवन मतलब होता है हर कोई। तो ही वॉज अ चीयरफुल मैन हुम एवरीवन लाइक, वह एक हंसमुख आदमी था जिसे हर कोई पसंद करता था। वन नाइट व्हेन ही वॉज रिटर्निंग, रिटर्निंग मतलब होता है वापस, या फिर है ना, ये लौटना होम थ्रू द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। ही हर्ड अ वॉइस, वॉइस मतलब होता है आवाज़। जब एक रात जंगल से होकर घर लौट रहा था, तब उसने एक आवाज़ सुनी। वरीड दैट, वरीड मतलब होता है चिंतित होना। वरीड दैट ही माइट, माइट मतलब होता है शायद। बी चेस्ट, चेस्ट मीन्स होता है पीछा करना। बाय गोस्ट, बाय गोस्ट मतलब होता है भूतों ने, है ना, गोस्ट मतलब होता है भूत। श्यामलाल रैन, वरीड चिंतित है कि शायद भूतों ने पीछा किया है, इसलिए श्यामलाल भागा। फिर है द वॉइस अश्योर्ड, अश्योर्ड मतलब होता है आत्मविश्वास दिलाना। हिम दैट इट ओनली वांटेड टू थैंक्स श्यामलाल, थैंक्स मीन्स तो पता है कि धन्यवाद करना। श्यामलाल फॉर द कैंडिनेस, कैंडिनेस मतलब होता है दयालुता। ही शोवर टू ट्री, ट्री मीन्स होता है पेड़। ठीक है, तो यहाँ पे है आवाज़ ने उन्हें आत्मविश्वास किया कि वह श्यामलाल की पेड़ों के प्रति, है ना, यहाँ पे ट्री लिखा है, पेड़ों के प्रति दयालुता दिखाने के लिए सिर्फ धन्यवाद करना चाहती। श्यामलाल वॉज टू स्केयर टू पे एनी अटेंशन टू द स्प्रिट। टू मतलब होता है बहुत, स्केयर्ड मीन्स होता है डरा हुआ, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना, और स्प्रिट मतलब होता है आत्मा। श्यामलाल को आत्मा पर ध्यान देने के लिए डर था। टू हिज अमेजमेंट ही फाउंड सेवन पॉट्स ऑफ गोल्ड एट होम, अमेजमेंट मीन्स होता है आश्चर्य, फाउंड मीन्स होता है पाना। वह घर पर सात सोने के घड़े पाया, है ना, सात सोने के घड़े पाया, तब उसे आश्चर्य हुआ। द फर्स्ट सिक्स वेयर फील्ड विथ गोल्ड वाइल द सेवन वॉज, सेवेंथ वॉज ओनली हाफ एंड फुल। पहले छः सोने से भरे थे जबकि सातवां आधा पूर्ण था, यानी कि आधा भरा हुआ था। श्यामलाल एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू फील द सेवेंथ पॉट टू द टॉप विद गोल्ड। डिसाइडेड मतलब होता है फैसला करना, डिसाइड यानी फैसला करना। श्यामलाल और उसकी पत्नी ने सातवें घड़े को सोने से भरने का फैसला किया। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से
अगले दिन से ही बिगन टू ड्रॉप ऑल हिज अर्निंग इन टू द पॉट। अर्निंग मतलब कमाई, अपनी सारी कमाई घड़े पर डालना शुरू कर दिया। इवन आफ्टर सेवरल डे, कुछ दिनों बाद द पॉट वुडंट फुल अप। वुडंट का ये सॉरी वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वुडंट। द पॉट वुडंट फुल अप, वह पूर्ण नहीं हुआ। द कपल बिगेन टू गो हंग्री होपिंग टू सेव मोर मनी। मनी मीन्स होता है पैसा, हंग्री मीन्स होता है भूखा, कपल मीन्स होता है युगल, और यहाँ पे बोलते हैं मतलब पति पत्नी का जोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो द कपल युगल ने ज़्यादा पैसा बचाने के लिए भूखा रहना शुरू कर दिया। बाय द एंड ऑफ द मंथ सैमुअल वॉज लॉसिंग स्लीप ओवर द सेवन पॉट ऑफ गोल्ड। बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत तक श्यामलाल ने सातवें घड़े के कारण अपनी नींद भी खो रहा था। ओके फ्रेंड्स, आज हम आपको यहीं तक पढ़ाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।